नमस्ते, मेरा नाम दीप्ति गौतम है और इस फिल्म में मैंने मीनू के नाम का किरदार निभाया है, जो गांव की भोली वाली औरतों जैसी होती है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, इसका सुना तो ये सही है, उसका सुना तो वो सही है, अपना कुछ उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, उसको सब सही लगता है कि जो जैसा दिखा रहा वो ही सच है। तो रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोगों से हम मिलते जुलते हैं जो ऐसे ही होते हैं, तो उन लोगों को जिनकी मेरे गांव में जो लोग होंगे उनको देख के मैंने जो ऑब्जर्व किया या जो भी सीखा वो सब चीजें मैंने इस कैरेक्टर में डाली। और जो हमारे डायरेक्टर है प्रकाश सैनी जी, तो मैं इस फिल्म की म्यूजिक कंपोजर हूँ और लिरिसिस्ट हूँ, तो मैं पहले फिल्म में एज ए म्यूजिक कंपोजर जुड़ी थी। तो वो टेकिंग ऑडिशन, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी ऑडिशन लिए, ठीक है कर लेते हैं। तो देन आई गेव ऑडिशन और ऑडिशन में मैं शॉर्टलिस्ट हुई एंड दैट्स हाउ आई वाज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एंड अशोक जी इज वेरी काइंड और हम सबके लिए हमेशा एक स्ट्रेंथ पिलर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स जो भी थी जैसा भी, ही वाज ऑलवेज रेडी टू सॉल्व एंड बहुत ही अच्छी टीम, एवरीवन इज जस्ट ग्रेट। हेलो, मेरा नाम कमल शर्मा है और हमारी चार लुगाई मूवी में मेरा रंजू का कैरेक्टर है। तो ये जो कैरेक्टर है ये कहीं ना कहीं 80-90% जस्ट सिमिलर बिल्कुल मेरी तरह ही है। तो हमारे जो ये डायरेक्टर प्रकाश सर हैं, इन्होंने मुझे सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टेक्ट किया था। तो आई डोंट नो उन्होंने मेरी पिक्चर्स वीडियोस देखे ने, मतलब कैसे लगा कि मैं रंजू अच्छा कर सकती हूँ। और रंजू का जो कैरेक्टर है वो एक जो बहुत कम एज जिसकी होती है और नई नई शादी हुई होती है और सीधी सादी लड़की होती है, जस्ट वैसे ही कैरेक्टर है। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी थी, जो मूवी स्टोरी मेरे सामने रखी थी तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी है। और हमारे अशोक सर जो प्रोड्यूसर हैं वो भी, उनका नेचर बहुत अच्छा है, तो मुझे लगा नहीं कि मैं मतलब नए लोगों के साथ शूट कर रही हूँ, तो मैं बहुत कंफर्टेबल थी सबके साथ। थैंक यू। अशोक जी आइए, प्रधान जी आइए, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी है, बोल्ड है, रियलिस्टिक है, बहुत ही प्रोग्रेसिव है। सो आई एम होपिंग कि जितना हमें करने में मजा आया था उतना ही आप लोगों को देखने में भी मजा आएगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, मथुरा के गांव में जाके शूट किया है और वो मेहनत अब स्क्रीन में देखने को मिल रही है। और हम चाहते हैं हमारे ऑडियंस देखें और हमें ढेर सारा प्यार दें, एंड इसमें बहुत प्यारा मैसेज है ऑडियंस के लिए और गांव के लोगों के लिए एज वेल एज शहर के लोगों के लिए। सो अगर ये मैसेज उनके दिलों को छुएगा, आगे देखेंगे वो लोग, तो उनको बहुत ये पावर, एक जिसको बोलते हैं ना पैकेज, सस्पेंस है, थ्रिलर है, रोमांस है, कॉमेडी है, तो ये सारे इसमें एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे ऑडियंस को। सो आई एम होपिंग कि सबको बहुत पसंद आए। टीवी एंड फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, काम हम उतना अच्छा वैसे ही करते हैं। डेफिनेटली फिल्म आप एक बड़ी स्क्रीन में देखते हैं, टीवी हमारा बहुत ही रेगुलर मीडियम है, हम रोज का रोज शूट करते हैं, रोज का रोज टेलीकास्ट होता है। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फिल्म है अभी बहुत रियलिस्टिक जोन में आ गई है, टीवी कहीं ना कहीं अभी भी इतना शायद रियलिस्टिक जोन में नहीं है, जो ये फिल्म डिपिक्ट कर रही है बहुत ही रियल जोन है। सो आई थिंक दैट बिकम्स अ मेजर डिफरेंस। आई फील मीडियम मीडियम से उतना फर्क नहीं पड़ता, हमें दिल छूने चाहिए और हम इस फिल्म के द्वारा वो कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ऑडियंस बहुत ज्यादा प्यार करेंगे इस फिल्म को, पसंद करने वाले। लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर के लिए क्या? डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छा एक प्लान बना के, उन्होंने इतनी अच्छी एक स्टोरी लाइन लिखी है। हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रकाश साइनी और प्रोड्यूसर हैं मिस्टर अशोक शर्मा, और उन लोगों ने इस फिल्म का जो एक पूरा थीम है, अंजू मैम हमारी राइटर है, और इन सब लोगों ने मिलके इस जो पूरी एक टीम वर्क के साथ जो प्रोडक्ट निकाला है वो आप सब लोगों के सामने सिनेमाघरों में 19th को आ रहा है। सो टू वॉच इट एंड एंजॉय इट। यस, या एंड प्रकाश सर के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी दैट एज अ डायरेक्टर उन्होंने हमें बहुत लिबर्टी दी थी टू वर्क ऑन आर कैरेक्टर्स, हम अच्छे से अच्छे अपने कैरेक्टर को जस्टिस कर पाए, निभा पाए। उन्होंने कभी भी ना हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा जो करना है करो, ऑफकोर्स कैरेक्टर में रह के करो, इसीलिए हम वो कर पाए, कुछ ऐसे छोटे छोटे नुआंसेस उठा पाए जो शायद कैरेक्टर को और रियल बना रहे थे। सो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से लिबर्टी दी, ऑफकोर्स वर्कशॉप्स वगैरह करी है, तो वहाँ के एक्सेंट, यूपी का एक्सेंट, डायलेक्ट, वो सब भी उन्होंने बहुत हेल्प करी, उन्होंने करी, अंजू जो हमारी स्क्रिप्ट राइटर है उन्होंने करी, डायलॉग्स उन्होंने ही लिखे हैं। सो यस, आई थिंक इसीलिए बहुत मजा आया उनके साथ शूट करने के लिए। अशोक जी के लिए कहना चाहूंगी कि ऑफकोर्स बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में हम लोगों ने शूट किया था फिल्म को, मथुरा की गर्मी में,
सो ऑफ कोर्स हमारी बहुत उनके साथ अनबन भी होती रही थी, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ इट द प्रोडक्ट इज वेरी नाइस एंड डोंट मिस हमारे सिनेमेटोग्राफर सोनू, ही डिड अमेजिंग जॉब और देखेंगे उसने मथुरा के गांव को इतना सुंदर दिखाया और हमें भी बहुत सुंदर दिखाया सो ये ओवरऑल एक टीम एफर्ट है और सबका बहुत अच्छा योगदान रहा है। अरे मोरी मैया पुरपुरी सी आ गई। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज वॉच आवर फिल्म इन द सिनेमा।